जैसा ये महामोक्षल प्राप्त है फलन पांति। बांधने वाले ब्रह्मचारी भैया जो पीछे बैठे हैं वो आगे आके ब्रह्मचारी भैया लोग के साथ सागर भागवत।
मोबाइल में क्या है? जिन जिन की लिपस्टिक लगी हुई ने देख ली है, या तो आप चुपचाप से जीप फेर लो, नहीं तो फिर मैं नाम लेके खड़ा करूंगा।
क्योंकि इतनी अच्छी मीठी टॉफी है कि आप जीप फेरोगे और गर्त से अंदर चली जाएंगे। फटाफट जिनमें अपने अपने ने जो रुमाल निकल लिया है, अध्यक्ष महोदय तैयार है, उन्होंने कहा जो ऐसा काम करके आपको माला भी बाद में पहनवाएंगे। हमारे बीच में चातुर्मास के कलश भी रखे हैं माता जी, तो माता से पूछना चाहूंगा कि पहले कलश दे दूं या देखने जैसा आप चाहो। अब इसमें तो धर्म संकट हो गया, कलश पहले दे दें, लेकिन कलश में कचरा क्या होता है कि सब परिवार को इकट्ठा करने में लग जाते हो और हमारा टाइम खराब होता है। पहले पिछली परिवर्तन करना चाहूँ, क्योंकि बाहर के लोग आ गए, वो पिछली परिवर्तन का आनंद आए, तुम्हारे परिवार को इकट्ठा करके क्या करेंगे, क्योंकि तुम मानोगे नहीं, मम्मी को बुला लो, पापा को बुला लो, चाचा आए, भैया भोपाल से आए, कोई इंदौर से आने बुला लो, उसमें पूरा टाइम हमारा खराब होता है। इसलिए बाद में कलश होंगी, पहले हम पिछली की बात करेंगे। अच्छा बताओ माता जी की पिछली कौन कौन महिलाएं लेनी चाहती, हाथ पर करो फटाफट। हाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं। कौन कौन सी राधोगढ़ वाले, कुमराज वाले, दीनागंज वाले, जहाँ जहाँ के हो, जो पिछी लेना चाहते हैं ईमानदार से हाथ उठाओ फटाफट। माता जी इनका सबका आचरण ब्रह्मचर्य में शुरू, हाथ नीचे कर दिए। चलो भावना भाव आगे तथा मती माता जी, उनकी पिछिका को लाने वाले हैं कौन, पाठशाला के बच्चे खुशी जी नारोन, बाहर वाले, बांद्री वाले, रूपाली, कुमरा, ये सब लोग पहुंचे और बड़ी माता जी की पिछिका लाने में सहयोग करें। बड़ी माता जी आर्य का तथा पाती माता जी की पिछिका लेकर के आने की व्यवस्था में सहयोग करें, जल्दी जाएं। पाठशाला के बच्चे बड़े लगते हैं अच्छे, पीछे पीछे तो बाबा तुम्हें बोलिए आरिका
बता दिया तो वो स्टेशन से सीधा सागर आ गई और वहाँ भाग्योदय आई। और ये देखिए उनने की पुण्य की विशेषता कि आजकल आप लोग तो परिवार को लेके माता पिता को लेके जाएंगे, आज श्री मिल भी जाएंगे तो कहेंगे भी देखते हैं और व्रत नहीं देते, पर उनके साथ कोई नहीं गया, अकेली गई। और जैसे ही आचश्री जी के पास पहुंची आचश्री जी, ये उनका तीव्र पुण्योदय था जो ना माता पिता की आज्ञा को जरूरी समझा, और जब परिवार वाले आए तो देखते हैं कि हमारी बहन कहाँ है, हमारी बेटी कहाँ है, पहचाने नहीं क्योंकि केस लॉन्च हो चुके थे। जैसे भी सुधावानी पहचान रहा था ना अपनी पत्नी को, है ना, बहन जी कह रहा था, ऐसे ही मम्मी बैठी हैं, मम्मी पहचान ही नहीं कि कहाँ है हमारी बिटिया राखी, क्योंकि उनकी मासूमियत अभी इतनी झलकती है तो उस समय कितनी रहती होगी, वो अभी भी वैसे ही लगती हैं। तो उनके बारे में और क्या कहा जाए, अब जो लेने वाले हैं ना पिच्छी का लेने वाले, उनके नाम नई पीछे का प्रणाम करने के लिए।
तीसरे दासी रानी जैन, चौथे आनंद जैन, सुषमा जैन, पांचवे अभिषेक रावत, श्रीमती शिल्पा रावत, महेंद्र रावत, उषा रावत, छठवे धीरेन जैन, उर्मिला जैन, संतोष जैन, अनिता जैन तथा तथामती माता जी के परिवार वाले जैन लोग जाए वो पधारी ब्रह्मचारिणी बहने विनीता देवी तहसीलदार ब्रह्मचारिणी बहन रचना ब्रह्मचारी पारसमणी इंदौर ब्रह्मचारिणी शिल्पी जैन जामनेर ब्रह्मचारिणी पूनम जैन कुमरा फटाफट बोलिए प्रभु माता बृहस्पति माता जी से आप सभी लोग परिचित हैं, जैसे एक द्वितीय हैं संतानों में बड़ी निष्कामती माता जी हैं, सभी लोग लालायित रहते हैं। आप लोगों ने अनुभव किया होगा चातुर्मास में कितनी मीठी वाणी है इनकी, दोनों बहनों की इतनी मीठी वाणी है कि कोई समझ नहीं सकता। माता जी इतनी मीठी वाणी है कि कितनी मिठास लो लेकिन कभी डायबिटीज नहीं होगी। हाँ, किसी को नहीं हो सकती, जो ए वाला मीठा लेता रहेगा ना उसको डायबिटीज कभी हो ही नहीं सकती, और जिसको होगी ना तो वो भी डायबिटीज हो तो उसकी दवा यहाँ यहाँ आ जाना और वो ले जाना तो उससे सारी आपकी जो डायबिटीज है वो ठीक हो जाएगी। जब बहुत अंतर है फिर भी इन्होंने यहाँ के वातावरण को उस रूप ढलने की कोशिश की। वहाँ का समतीतोष्ण वातावरण रहता है, वहाँ ठंडी बिल्कुल नहीं पड़ती, और अपने यहाँ दो दो रजाई ओढ़ लो फिर भी अपनी ठंडी समाप्त नहीं होती। तो पहले जब ये ब्रह्मचारिणी थी तब 9:30 बजे तक फुल पैक रहती थी, स्नान वगैरह नहीं करती थी। जब धूप आ जाएगी ना उसके बाद कुछ करेंगे, इतनी माता जी ये जो तुम्हारी का मन करती है कोई बात नहीं, चार आए तो चारों को पूरी करो, नहीं देंगे सीधे आश्रम में भेजेंगे। I'm not
के विधायक एवं पूर्व विमोचन नहीं करना, महिला मंडल को विमोचन नहीं करना। वादन करेंगे और वो मंच के करीब आए और पूज्य माता जी के श्री चरणों में श्री पर बैठ करें। पिच्ची का नवन करने आएंगे आचार्य विद्यासागर सेवादल संजू भैया संयोजक, अनावरण करने के लिए आए। बच्चे ऊपर नहीं बैठो, वालों को कुछ नहीं बैठो, नहीं इनको बच्चों की जरूरत है। विमोचन करना है। हमारे बीच आदरणीय विधायक जबरदस्त सिंह जी पधारे हैं, उन्होंने पूज्य माता जी के श्री चरणों में श्री पल बैठ कर आशीर्वाद ग्रहण किया है। मैं निवेदन करूंगा कि अग्रिम पंक्ति में आकर सम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय विधायक जी पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा साल श्रीपल एवं कला कलाकार उनका सम्मान करें।
आपका सहयोग पड़ती है, आगे बढ़कर सहयोग करते हैं। एसएससी विधायक जी का बहुत बहुत स्वागत है, बंधन है, अभिनंदन है। सभी लोग जोरदार करते हैं, उनसे अभिनंदन करेंगे विधायक जी का। आप पूर्व में मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रहे, उस समय आपने इंदौर में जो हमारे प्रतिभा स्थलीय के लिए एनओसी का कार्य था उसको आपने आगे बढ़कर पूरा किया था, उसके लिए जैन समाज आपका बहुत बहुत आभारी है। इस मंदिर के निर्माण में भी आपने हमारे लिए लगभग हजारों पत्थर उपलब्ध कराए, साथ ही इस कार्य में प्रेमक लोग जो भी बचे उनमें भी आपका बहुत बहुत योगदान है। मैं आदर आचार्य श्री विद्यासागर में हमारे जैन समाज के राघोगढ़ के आरोन के कुमरा चाचौड़ा से पधारे, वीरागंज से पधारे जन को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे युवा साथीगण और विशेषकर जो हमारी माता बहने यहाँ विराजमान है, मैं आप सबको जय जिनेह दर्ज करता हूं। आज के इस भव्य कार्यक्रम के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि लगभग आज से 9-10 साल पहले जब सुधा सागर महाराज जी रावगढ़ उठे में विराजमान थे, उनके आदेश से ही आज सुधा सागर धाम जो आज यहाँ निर्मित हुआ है हमारे रावगढ़ में बहुत भव्य स्तर पर निर्मित हुआ है। और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि आचार्य श्री के आशीर्वाद से, महाराज जी के आशीर्वाद से, हमारे जो माताएं विराजमान हैं आप सबके आशीर्वाद से जो आपके आदेश होंगे आने वाले हम पालन करेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। हमारे जो प्रदीप भैया जो जिनकी बहुत ही मधुर आवाज है और जिनको हम अभी सुन रहे थे, आपने एक इतनी बड़ी बात आज कही है कि साधना से विकसित होता है, आपने उल्लेख किया आचरण का। और मेरे अनुसार हमारे भारत में, हमारे रावगढ़ में, हमारे मध्य प्रदेश में अगर कोई समाज त्याग तपस्या का प्रतीक है तो वो हमारा जैन समाज है। हर एक समाज, हर एक व्यक्ति आपकी तरफ देखता है प्रेरणा के लिए। आपके जो संस्कार हैं, जो काम करने का तरीका है, जैन समाज के हर व्यक्ति की जिंदगी में जो अनुशासन होता है, मैं मानता हूं ये सब सीखने लायक है। हमारे जो माताएं सब यहाँ विराजमान हैं, मैं आप सबको चरण स्पर्श करता हूं। और विशेषकर जो हमारे सभी साथीगण यहाँ बाहर से पधारे हैं, राघोगढ़ राघोजी की नगरी है और तो महाराज जी की नगरी में मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैंने सुना है कि हमारे जैन समाज के द्वारा एक बहुत विशेष मांग है कि हमारे पूरे रावगढ़ शहर में एक मार्ग हम चिन्हित कर लें जो आचार्य श्री जी के नाम से जिसको हम समर्पित करेंगे। तो मेरी विशेष प्रार्थना है जैन समाज रावगढ़ से कि आप इसका प्रस्ताव हमें दे दें और अगली परिषद की बैठक में दिसंबर के महीने में ही या अभी अगले एक हफ्ते में जब भी बैठक होगी उसमें हम वो प्रस्ताव रख के उसको पारित भी कर लेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। आप सबको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, जय जिनेह करता हूँ। और साथ में अगर एक और जो मांग है कि एक मार्ग नीलेश सागर महाराज जी के नाम से भी हम समर्पित करें तो सबकी भावनाएं हैं। रावगढ़ हमारा बहुत बड़ा शहर बन चुका है, चाहे रावगढ़ हो, चाहे एनएफएल पालिका हो या फिर रुठियाई हो, हर जगह हमारे जैन समाज के बहुत सारे प्रतिष्ठित परिवार हैं। और जैसा कि आप सब प्रस्ताव देंगे जिन दो मार्गों पे आपकी इच्छा होगी उन दो मार्गों को हम इसके लिए चिन्हित कर देंगे आपके आदेश अनुसार। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं आज के कार्यक्रम के लिए। और विशेष मेरी प्रार्थना रहेगी कि आचार्य श्री की असीम कृपा, उनका पूरा आशीर्वाद हमेशा हमारे पूरे क्षेत्र में बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र। आज सकल दिगंबर जैन समाज के
आचार्य विद्यासागर मार्ग एवं श्री निलेप सागर जी मार्ग का जो घोषणा की है उसके लिए रावण जैन समाज आपका बहुत बहुत आभारी है। चलिए 30 वर्ष पूर्व साडा कॉलोनी मार्ग से साडा कॉलोनी रोड पर जो महावीर मार्ग है उस पर एक बड़ा बोर्ड लगवाया है। पुरानी पिछी लेने में बहुत सारे लोगों की होड़ थी, लेकिन एक ऐसा भक्त था कि वो पिछी लेने के लिए पूर्णतः मन बना चुका था, लेकिन माता जी ने उसकी भावनाओं का भी सम्मान किया है। पिछी भले ही उसको नहीं मिलेगी, लेकिन पिछी लेने में वो सहयोग पूरा करने के लिए तत्पर रहेगा। और हमारे विधायक जी क्या कह गए, बहुत अच्छी बात कही है। मेरे मालिक अपनी अदालत में इतनी जगह रखना, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे गुरुवर को सलामत रख। तो आप कर्तव्यों का पालन करेंगे।
हाँ, तो हम ये कह रहे थे जब माता जी लोग आई ना प्रवेश किया संघ में, तो आचार्य श्री जी ने सिर्फ इन लोग के सामने तीन क्वेश्चन रखे थे, तीन प्रश्न रखे थे। पहला प्रश्न था कि उत्तर का खान पान और दक्षिण के खान पान में बहुत अंतर है, आप लोग कैसे एडजस्ट करोगे। तो इन लोग ने उस चीज में खड़े उतर के दिखा दिया। दूसरा प्रश्न था कि आप लोगों को भाषा तो आती नहीं है हिंदी समझने में, इसका एक बहुत अच्छा संस्मरण है छोटा सा। जब ये लोग संघस्थ ब्रह्मचारिणी बन गई आर्या गुरुमती माता जी की, तो एक माता जी अस्वस्थ थी, उनको कमर में प्रॉब्लम थी, ये लोग संकेत लेने के लिए आचार्य श्री जी के पास गए। हो सकता आप लोगों को यदि सुनने मिल गया हो, पर सभी लोगों ने नहीं सुना होगा भाषा कैसे। तो जाप की बड़ी माता जी गई वहां, आचार्य श्री जी से कहती हैं नमोस्तु किया, पत्र दिया माता जी का, फिर कहा आचार्य श्री जी, आचार्य श्री जी ने पूछा उन माता जी के बारे में स्वास्थ्य कैसा है, बोले आचार्य श्री जी बिना इशारे के चल नहीं पाती, बिना इशारे के चल नहीं पाती। अब आचार्य श्री जी मुस्कुराने लगे, आचार्य श्री जी समझ गए कि इनको भाषा प्रॉब्लम है। फिर आचार्य श्री जी कहते हैं इशारे नहीं सहारे। तो इन लोग की हिंदी कैसी थी, ऐसी थी, और आज आप लोगों को समझ में आती है, और कहीं से कहीं तक हिंदी में इतनी समझ में आती नहीं आती ना। तो ये लोग ऐसे है, कितने अच्छे से इन लोग ने सब कुछ कर लिया, और पढ़ाई के बारे में भी मतलब ऐसे पूछ लेंगे नहीं है। तो इन लोगों को सारी की सारी मतलब जितनी अच्छी संस्कृत हम लोग को नहीं बनेगी, इतनी अच्छी संस्कृत इन लोग की हो गई, हिंदी भी बहुत अच्छी हो गई, मतलब उत्तर वालों की अपेक्षा इन लोग में ज्यादा योग्यता आ गई। और हम तो ये कहते हैं कि दक्षिण वालों को ये सारी चीजें विरासत में मिलती हैं, अपन लोग तो अपनी भाषा को तरीके से नहीं बोल पाते हैं, और उन लोग को उनकी जो लैंग्वेज रहती है मराठी और कन्नड़ वो तो है ही, और अपने यहाँ की लैंग्वेज भी वो सीख लेते हैं। तो बोलिए ऐसी निष्कामती व्रतमती माता जी की। पुरानी पेशी लेने वाले श्रीमान से होगा ना कि मांगने से होगा। ये जो उत्साह हमने यहाँ
यहाँ राघवगढ़ में शुरू से देखा है। आप लोगों को सबको पता है कि यहाँ सात माता जी के चतुर्मास के लिए अशोक नगर से विहार हुआ था। अच्छे अलग अलग तरह के मिठाइयां सजी हुई थाली रावगढ़ वालों को मिली थी, लेकिन कुंभराज वालों के पुण्य ने अच्छे अच्छे व्यंजन को जो मिष्ठान थे सब उठा के ले गए और नीरस दाल और रोटी यहाँ छोड़ गए। फिर कुंभराज वालों का ये पुण्य था, रावगढ़ वालों को उनके पुण्य से ईर्ष्या नहीं, उनका पुण्य का अनुमोदना करना चाहिए। उनका पुण्य कहाँ से आया आप लोगों को मालूम? उनका पुण्य कहाँ से आया? पिछले बार बहुत प्रसाद बटा था और ऐसा उन लोगों ने पुण्य का इकट्ठा किया था, वही पुण्य अभी काम में आया। रावण वालों के 20 साल से चतुर्मास नहीं हुआ था, इसलिए पुण्य में छेद हो गया था। अब क्या करना है रावण वालों को? अब जल्दी जल्दी चतुर्मास कराना है ना। हाँ, ये पुण्य इकट्ठा करने का साधुओं का संगति से, साधुओं की संगति में भक्ति करना, सेवा करना, त्याग का मार्ग अपनाना, ये जब तक साधुओं का चतुर्मास नहीं होता, साधुओं का समागम नहीं होता, तब तक श्रावक के लिए भी मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। इसीलिए सबको ये भावना भाना है और सबको प्रयास करना है कि अगले बार से अब 20 साल का कभी भी अंतर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि संस्कार के लिए साधुओं का चरण पड़ना। पहले 20 साल पहले किसका चतुर्मास हुआ था? आदि कश्यप पूर्णवती माता जी का हुआ था, उसके बाद अब हुआ है। अब ऐसे सो के मत रहना, सोते नहीं रहना। और हमारी जो माता जी थी, जो मिष्ठान थी, मिष्ठान है और हमको भी, अब यहाँ से माता जी चली गई तो राघवगढ़ वाले उदास हो गए और कुंभराज वाले खुश हो गए, लेकिन हम लोगों की और माता जी की स्थिति के उसी ने नहीं पूछा कि आप लोगों को कैसा लग रहा होगा। हम लोग की पूरी मानसिकता और सब एक थे और एक रहने को ही विहार करके आए थे। और शुरू शुरू में 3 दिन तो ऐसा लगा कि हम अपने सिर पे, अपने हृदय पे पूरे पत्थरे पत्थर रखे, हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब ये सोचा कि अब अपन को शुरू करना है, कुंभराज वालों की भी प्यास बुझ जाए, राघवगढ़ वालों की भी प्यास बुझ जाए और सब मिल बांट करके जो गुरुजी ने दिया है, जो संस्कार दिया है, जो सीख दी है, जितना हो सके, जितना बन सके शाखों को देने की कोशिश हम लोग करते रहते हैं। और शाखों की ये भारतीय संस्कृति है और शाखों को भी यही सीख लेना चाहिए कि राघवगढ़ वाले हो, चाहे कुंभराज वाले हो, चाहे गुना वाले हो, जो कहीं के हो, यहाँ साथ है तो राघवगढ़ वाले कह दिए चार, चलो चार ले जाओ और 3 रख रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति है। यदि पेड़ में फल लगे हुए हैं तो उस पेड़ को जड़ के उखाड़ के खाने की आदत भारतीय की नहीं होती है। उस पेड़ में यदि फल लगे हुए, इसीलिए यदि यहाँ मान लो 6 होती 8 होते तो राघवगढ़ वाले कह देते और जिसको चाहिए वो ले जाओ, हम 2 में काम चला देते है। ये भारतीय संस्कृति है। ये पुण्य और पुरुषार्थ, भाग्य और पुरुषार्थ दो चीजें होती है। जहाँ भाग्य की कमी होती है, भाग्यमंद होता है, पुण्यहीन होता है, तो पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ता है। और जहाँ पुरुषार्थ जोर लगाने के बाद भी हमें कार्य स्थिति नहीं होती है तो समझ लेना वहाँ हमारा पुण्य बहुत पतला है और बहुत पुण्य को गाढ़ा करने की जरूरत है। और किसी किसी का पुण्य बहुत तेज होता है और वहाँ कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, बिना पुरुषार्थ को जो चाहे वो सामने आ जाता है। ऐसा सातिशय पुण्य किसको होता है? चक्रवर्ती है, तीर्थंकर है, 63 शतक का पुरुष है, ऐसे लोगों को सातिशय पुण्य हुआ करता है। और ये पुण्य इकट्ठा होता है ऐसे कल्प ध्रुव महामंडल विधान की रचना से, ऐसे अद्भुत रचना, ऐसे मंगाए गए थे वो कम पड़ गए, पड़े कि नहीं पड़े बताओ? हाँ, फिर मंगानी पड़ी। तो यहाँ
उनका भी यह प्रयास है, उनकी भी मेहनत है जो इसमें इस विधान में रंग लाई है। अब माता जी तो हमें मिल गई। अब यह कार्यक्रम था चतुर्मास का अंतिम कार्यक्रम। अब माता जी मिल गई, अब आप जानो, माता जी जाने, अब हम बिल्कुल निर्विकल्प हो गए हैं। अब ना कोई रागावड़ की माता जी है, ना कोई बड़ी माता जी है, क्योंकि आचार्य जी का सिद्धांत है, आचार्य जी कहते हैं अखंडता की बात करो, एकता की बात करो। एक बार की बात है, आचार्य जी के सानिध्य में प्रतिभा स्थली के, उसमें तीन प्रतिभा स्थली थी, रामटेक, इंदौर और जबलपुर। तीनों कार्यक्रम प्रतिभा स्थली के गए और अलग अलग नाम लेकर के आचार्य से निवेदन कर रहे थे, रामटेक, इंदौर और जबलपुर। आचार्य ने उससे कहा कि तुम प्रतिभा स्थली को खंड खंड में विभाजित मत करना, अखंड प्रतिभा स्थली की बात करना। जब कभी दक्षिण के लोग आते हैं, राजस्थान के लोग आते हैं, तो राजस्थान के लिए निवेदन करते हैं, दक्षिण के लिए निवेदन करते हैं। आचार्य कहते हैं दक्षिण और उत्तर को बांटते क्यों हो, अखंड भारत की बात करो, एक विश्व की बात करो। ऐसे ही आप लोगों की प्यास थी तो इसमें साथ में खंड हो गए थे, लेकिन हम तो अखंड है, रहेंगे साथ नहीं, 150 अखंड है। जितने भी हमारे गुरु जी के जितने शिष्य हैं और जितने मुनिराज, सब एक अखंड एक सूत्र में है। ये तो आचार्य की महान कृपा है, इनकी महानता है, उनकी कृपा है, उनकी करुणा इतनी बहती है कि लोगों की प्यास देख करके इस युग को यहाँ इस जैसे जो अलग रास्ते में जा रहा है को मोड़ देने के लिए अलग अलग रूप में आशीर्वाद देते हैं और चतुर्मास को भेज देते हैं। तो बहुत समय हो गया है और यह कार्यक्रम अंतिम था और आपके भी शीतकाल की भावना है। यदि इस चतुर्मास में आपको कुछ लाभ हुआ है, कुछ प्राप्त हुआ है, यदि खुशी है तो हाथ उठा के बताना कि हम अगले बार भी चतुर्मास कराएंगे। किसका बात नहीं हुई, जरूर प्रयास करना कि अब इतना अंतर ना पड़े। अब इसी भावना से और एक बार कि हम जो यहाँ रहे, जो भी आप लोगों को अच्छा लगा, जो भी सीख अच्छी लगी, कोई भी गुण अच्छे लगे, जितने भी हमारी अच्छाइयाँ हैं वो सब हमारे गुरुदेव की, और हम जो बड़ी माता जी के पास रह करके जो संस्कार लिए सब अच्छा ही है उनके हैं। और आपको जो अच्छा नहीं लगा, ऐसे भी कुछ होता है इस धरती पर, हम भगवान थोड़ी ना है कि हमारे पूरे दोष चले गए हों, कुछ बुराई भी लगा होगा, कुछ ऐसे होगी तो अच्छी नहीं होगी, वो सब हमारे हैं, वो हमारी कमी है, हमारे पुरुषार्थ की कमी है। तो जो अच्छा नहीं लगा, जो बुरा लगा उसको भूल जाना, और जो अच्छा लगा उसको अच्छे से जो के रख लेना, और जो जो आपने इस चतुर्मास में पाया है वह आप आगे और बढ़ते रहना। और यहाँ भगवान जी साक्षात है, उनसे यही निवेदन करते हैं, अब हमारी ये श्रृंखला न छूटे। आचार्य गुरु अरिष्ट विद्या सागर जी महाराज, इतनी अच्छी बात माता जी ने प्रतिष्ठा श्रीमती हिना जैन को प्रदान करें। आप जोरदार तालियों का स्वागत मोदना करेंगे कि, और हम बड़ी माता जी से निवेदन करेंगे, माता जी आप भी अपना मंगल आशीष दो मिनट। शंकर भगवान की, संत सुरमणि अचयुड़ विद्या महाराज की, संपूर्ण व्यापक समण महामुनि राजों की, पूज्य श्री मुनि निर्लेप सागर जी मुनि महाराज की, आज के श्री गुरुमती माता जी, गणमती माता जी, आदर्शमती माता जी की, कल्पद्रम महामंडल विधान की। एक तिथि परिवर्तन होता है और इस बार तो आस पास भी सब जगह हो रहा है, पिछली गलत फिर भी उत्साह आप लोगों का उतना ही बना है। और ये पिछली का जो आज यहाँ परिवर्तन हुआ है वह हृदय परिवर्तन का दिन है,
जिसने हृदय को परिवर्तन किया उनके हाथ में पिच्छी आ गई, और जिसने और परिवर्तन किया है, कुछ नियम संयम लिया है, उनको पुरानी पिच्छी मिल चुकी है। और ये पिच्छी है जो परंपरा से आज से 16-17 साल पहले दीक्षा हुई थी, जब आज की दीक्षा तो उस समय गुरु जी के हाथ से एक पिच्छी मिली थी, और यह पिच्छी परंपरा से बदलते हुए एक साल के बाद वह पिच्छी के परिमार्जन की लाग नहीं हो जाती रहती है, कड़क हो जाती, इसे हर साल बदलते हैं। और इस अकेले में भी बदल सकते थे, इतने भीड़ भाड़ के साथ क्यों बदली। पहले जो मुनिराज हुआ करते थे वो जो नई पिच्छी चालक ला करके देता था और आग्रह करता था मुनिराज से कि ये नई पिच्छी का है, तो वो नई पिच्छी का मुनिराज ले लेते थे और पूरी पुराने पिच्छी का उनको दे देते। पर अब क्या है कि साधु संग समाज के बीच में रहते हैं, और समाज में जहाँ जाते हैं उसके पहले ही साधकों की भावनाएं हो जाती हैं कि मुझे पिच्छी का मिले, हम इतना संयम का पालन करेंगे, हम नियम धर्म करेंगे। इस प्रकार से समाज के बीच रहते तो समाज के सामने प्रोग्राम करते थे, इसमें बहुत सारे लोग संयम से जुड़ जाते, नियम धर्म से जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से यह पिच्छी का परिवर्तन हुई, और आतेश्री जी ने जो पिच्छिया दी है तो किस उद्देश्य से दी है। जब दीक्षा होती है दिगंबर मुनियों की तो पिच्छी कमंडल और शास्त्र एक तीन उपकरण देते हैं। उस समय इससे क्या होता है, सूक्ष्म और बादल जी जो दिखाई देते हैं उनकी जो लिख भी देते हैं, इसकी उपयोगिता और महत्ता क्या है पिछली की। एक बार का बात है, जब आतिश्री जी सतना में शीतकालीन पंचकरण हो रहा था, वहाँ उस समय आतिश्री जी बैठे थे और साधकों ने सिंहासन धूप में लगा दिया, वहाँ सभी महाराजे लोग आहार के बाद आकर क्या है, क्योंकि अभी और जितना यहाँ सुनोगे और रात में आओ, बहुत अच्छे से उत्साह से देखा, और हमेशा एक पिछली परिवर्तन के बाद एक भावना और भावना कि भगवान वह समय हमारे लिए कब आए जब हमारे लिए आज पुरानी पिछली मिली है, कभी ऐसा भी दिन आए कि मुझे नई पिछली मिल जाए। जिसको पुरानी पिछली मिली है वो नई पिछली को, और जो वहाँ बैठ कर देख रहे हैं और जो भावना भा रहे हैं, तो वो ये भावना भाए कभी हमारे भी ऐसा पुण्य को गाए, ऐसी हमारी भावना बन जाए कि हमारे हाथ में भी नई पिछली आए और हम सब जीवों की रक्षा करें। इस प्रकार से बोली महावीर भगवान की परम पूजारी का मसूद माता जी।